हेलो गाइस, माय नेम इज फ्रॉम सैम द आर्टिस्ट बिहाइंड स्केच बाय श्री। ये हमारा क्लास 5 है आई थिंक, यस। और हम यहाँ पे डिजिटल पेंटिंग के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। ये बिगनर का सीरीज है जो मैं क्लास बेसिस पे कर रहा हूँ, जहाँ पे हमने बहुत सारे क्लासेस ऑलरेडी कर ली हैं। वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है, और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो लाइट के ऊपर है कि लाइट किस तरह से एक सिंपल ड्राइंग को एलिवेट कर सकता है। यहाँ पे मैं एक सिंपल फेस ड्रॉ कर रहा हूँ, और आप देख सकते हो कि जो हमारा बेसिक ड्राइंग प्रिंसिपल होता है या फिर जो बेसिक स्केचिंग प्रिंसिपल होता है, बस उसी को फॉलो कर रहा हूँ। क्योंकि एक डिजिटल पेंटिंग है, तो जो भी गलतियाँ आप करते हो, जैसा आप देख रहे हो कि मैं फेस को जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे करेक्ट भी कर रहा हूँ। जैसे जैसे आप इन चीज़ों में आगे बढ़ेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि डिजिटल पेंटिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको ड्राइंग नहीं आता है और फिर भी आप ड्रॉ कर रहे हो। डिजिटल पेंटिंग या डिजिटल आर्ट करने का मतलब यह है कि आप अपने ड्राइंग को और ज़्यादा एलिवेट कर रहे हो, और जो मीडियम है उसे चेंज कर रहे हो, जो कि अब एक डिजिटल मीडियम है। आप देख सकते हो किस तरह से मैं अलग अलग लेयर्स को लेकर के अलग अलग लेयर्स को फिल कर रहा हूँ। जहाँ पे हमारे कॉन्टूर पार्ट्स रहेंगे, जो फेस के रहेंगे, वहाँ पे मैं हाईलाइट्स ऐड कर रहा हूँ। जहाँ पे शेडोज रहेगा वहाँ पे शेडोज ऐड कर रहा हूँ। जब हम लाइट सोर्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं या लाइट की बात करते हैं, तो एक बेसिक सा थ्योरी है कि अगर इस दुनिया में आपको कुछ भी दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप आंखों से देख पा रहे हो। और इसका मतलब ये है कि अगर आपकी आंखें ठीक है, तो आप कह सकते हो कि हाँ, कहीं ना कहीं से कोई लाइट सोर्स उसे इफेक्ट कर रही है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो नेचर हो, चाहे वो एक ह्यूमन बींग, राइट। यहाँ पे आपको एक बात समझनी बहुत ज़रूरी होती है कि लाइट हमारे ड्राइंग को अच्छा या बुरा बनाता है। अगर आप किसी महंगे रेस्टोरेंट्स में जाते हो, तो आप पाते हो कि वहाँ पे कभी भी ज़्यादा व्हाइट लाइट का यूज़ नहीं होता, ज़्यादा येलो लाइट का यूज़ होता है। और आप जब कोई ऐसे जगह पे जाते हो जैसे कॉरपोरेट ऑफिस या फिर हॉस्पिटल्स, वहाँ पे आप व्हाइट लाइट का यूज़ ज़्यादा देखोगे, क्योंकि हमें चीज़ें क्लियरली देखनी होती है, राइट। लेकिन एम्बियंस के लिए, जब किसी चीज़ को हमें खूबसूरत दिखाना होता है, तो वहाँ पे हम हमेशा येलो लाइट का यूज़ करते हैं, या फिर किसी ऐसे लाइट सोर्स का यूज़ करते हैं जहाँ पे मल्टीपल लाइट सोर्स हो, छोटे छोटे, ना कि एक बड़ा सा स्पॉटलाइट। आप देखते होंगे जब भी हम स्टेज लाइटिंग करते हैं, जब ऑब्जेक्ट्स के लिए स्टेज लाइटिंग, जो फोटोग्राफी होती है, उसमें 3 पॉइंट लाइट सेटअप होता है, जहाँ पे एक फ्रंट लाइट होता है जो की लाइट जिसे हम कहते हैं, फिर हमारे पास एक फिल लाइट होता है और एक बैक लाइट होता है, राइट। तो हमारे पास 3 लाइट सोर्स हो जाते हैं। आप देख सकते हो किस तरह से अभी मैं इसमें जब लाइट सोर्स ऐड करूँगा, तो हमारे ड्राइंग, जो हम बेसिक एक ड्राइंग कर रहे हैं, मैं एक बेसिक चेहरा शेड कर रहा हूँ और इसको मुझे एलिवेट करना है, राइट। तो मैं एक लाइट सोर्स ऐड कर रहा हूँ। आप जब भी स्टिल लाइट ड्राइंग करते हो या कभी भी आप कोई भी सिंपल ऑब्जेक्ट भी ड्रॉ कर रहे हो, तो आप कोशिश करें कि उसमें एक लाइट सोर्स ऐड कर दिया जाए। आप हमेशा नोटिस करते हो कि जब भी आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग की तरफ बढ़ोगे, तो आप देखोगे स्टिल लाइफ हमेशा एक ऑब्जेक्ट के थ्रू होती है और साथ में एक लाइट सोर्स के थ्रू होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं एक मून ऐड कर रहा हूँ, राइट। और इस मून को मैं लाइट सोर्स में कन्वर्ट करूँगा, तो ये मून से हमारा जो फेस है वो बेसिकली इल्यूमिनेट होगा, मतलब इसके ऊपर लाइट आएगी, इससे जिससे हमारे ड्राइंग को थोड़ा और एलिवेशन मिलेगा, थोड़ा और वो बेहतर लगेगा। ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप सिंपल ड्राइंग कर रहे हो, तो बाकी लोग भी सिंपल ड्राइंग कर रहे हैं, राइट। आप अपने ड्राइंग को अलग कैसे करोगे, आप अपने ड्राइंग को डिफरेंट कैसे करोगे? जब आप फोटोग्राफी में जाते हो, तब भी आप यही देखते हो कि जो इंसान या जो आर्टिस्ट लाइट के साथ ज़्यादा खेल सकता है या उसको समझ सकता है, वो उतना अच्छा ड्राइंग कर पाता है, उतना अच्छा आउटपुट निकाल पाता है। आप ये चीज़ ये भी देखो है कि जो अच्छे अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कलर्स के साथ खेलते हैं। बट आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब हम लाइट की बात करते हैं और जब हम कलर की बात करते हैं, तो ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। अगर आपके पास अच्छे लाइट सोर्स हैं, तो आपका कलर ऑटोमेटिकली ज़्यादा निखरेगा और ज़्यादा एलिवेट होकर दिखेगा। जैसे कि जब हमें स्काई में कलर्स देखने होते हैं, तो हम हमेशा आप नोटिस करते होंगे कि इवनिंग टाइम पे हमें स्काई में या क्लाउड्स में ज़्यादा कलर्स दिखते हैं, चाहे वो पूरे विब्योर कलर्स हों या फिर कुछ अलग सा ग्रीन, कुछ अलग सा डिफरेंट कलर, जो कि आप जनरली डे टाइम में नहीं देखते हो। क्योंकि वहाँ पे उस समय जो सन एंगल होता है, जो लाइट के रेज का जो एंगल होता है, वो इतना डिफरेंट होता है, इतना अलग होता है, कि आप इजीली उसको समझ सकते हो कि हाँ, यहाँ पे इतने सारे कलर्स बन रहे हैं। अब आपको विबग्योर के बारे में पता है कि किस तरह से इतने सारे कलर्स
इफेक्ट करते हैं हमारे आईज को, बट जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है जैसे ब्लू का, तो सॉरी छोटा होता है, तो वो स्कैटर हो जाता है स्काई में, तो हमें वो ज्यादा दिखता है। तो आप इस तरह से देख रहे हो कि किस तरह से मैंने मून को यहाँ पे एक सिंपल मून मैंने लिया और उसको मैंने लाइट सोर्स बना दिया, राइट। इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको कैंडल बनाना बताया था कि किस तरह से आप रियलिज्म की तरफ जा सकते हो या अपने ड्राइंग को थोड़ा रियल कर सकते हो। ये भी उसी का पार्ट है कि जब आप डिजिटल पेंटिंग कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो हमेशा एक लाइट सोर्स ज़रूर ऐड रखें अपने ड्राइंग में या अपने स्केच में। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी ड्राइंग को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए। आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ब्रशेस के साथ, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के साथ खेल ही रहोगे। जो हमारा पुराना क्लास था, मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जहाँ पे आप अलग अलग चीज़ों से ट्रायल कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं वो ये है कि किस तरह से हम लाइट सोर्स को ऐड कर रहे हैं। आप प्रैक्टिस करते रहें, आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछें, ताकि मुझे भी आइडिया हो कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मैं उसके ऊपर वापस से एक वीडियो बना दूंगा। ये क्लासेस का सीरीज़ हमारा आगे और कंटिन्यू होगा, जहाँ पर मैं और भी डिजिटल पेंटिंग के ऊपर डिस्कशन करूँगा और फिर जाके हम अपने नॉर्मल जो टॉपिक्स होते हैं उस पर आ जाएंगे। बट आप कोशिश करें कि इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। और आप देख रहे हैं कि इस तरह से ब्रशेस का यूज़ करके मैंने लाइट सोर्स को ऐड किया, और उससे एलिवेट होने वाले जो लाइट होते हैं, उससे जो रेज निकल रहे हैं, वो हमारे फेस को कितना अच्छा शो कर रहे हैं। ये जो येलो टिंट है जो फेस के ऊपर आया है, वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हाइलाइट्स ऐड करना बहुत ज़रूरी है। आप कोशिश करते रहें, आप सोचें कि आप नए नए आइडियाज़ को कैसे अपने ऊपर डाल सकते हैं अपने ड्राइंग में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करें, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।